मकान की छत यानी कि टेरिस पर कौन सी टाइल लगाएं ताकि आपकी छत लंबे समय के लिए सुरक्षित रहे और अगर आपकी पुरानी छत और पानी टपकता तो हो तो वहां कौन सी लगाएं इन्हीं दो बातों पर अपन चर्चा करेंगे जी हाँ नमस्कार मैं हेमराज मीनारिया और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज चैनल पर आप पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब फॉलो कीजिए क्योंकि मार्बल टाइल्स ग्रेनाइट की बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको इस चैनल पर उपलब्ध मिलती है मकान पर आपने देखा होगा पहले छत पर टाइल्स नहीं लगाते लेकिन आज अगर नया मकान भी बनाता है तो छत पर टाइल लगाते हैं और सुबह भी हर जगह पे लग रही है कि छत को लंबे समय के लिए सुरक्षित रखना है या फिर गर्मी के दिनों में छत तपे नहीं इसलिए भी टाइल्स लगाते हैं अपन और कहीं पानी गिरता है तो भी अपन टाइल लगाते हैं कुल मिला के टाइल लगाना कंपल्सरी गया लगाना ही लगाना है आपको अगर छत खराब नहीं तो हो जाती है अगर हुई हो तो भी लगाना है ऐसा नहीं बात कहीं जगह पे आपको बताया जाता है कि चाइना मेजिक जो अठारह बारह का रिजेक्ट माल आता है उसको टुकड़ी के बने रूप में टाइल लगाते हैं वो भी कई जगह पे लग रही और लगाते हैं कहीं जगह पे बारह बाई बारह की टाइल भी लगाते हैं कई जगह पे दो बाई दो की लगाते हैं कई जगह पे चार दो की भी लगाते हैं कुल मिला के लगा कुछ भी सकते हैं लेकिन इस वीडियो में अपन सटीक तरीके से बात करते हैं कि वही टाइल लगाएं जो आपको लाइफ टाइम में कभी नुकसान नहीं आए और फिर आपको उस दिक्कत ही नहीं आए कभी भी देखिए छत पर अगर आप खुले में अगर आप टाइल्स लगाते हो तो सबसे पहले जो आपको मेन पॉइंट याद रखना है वो है कि आप स्पेसर में टाइल्स लगाएं पेपर जॉइंट यानी कि टाइल्स को टाइल्स से भिड़ा आप इस प्रकार से कभी टाइल नहीं लगाएं गर्मी बरसात और गर्मी सर्दी और बरसात का तीनों का साया रहता है तो ये टाइल्स निकल जाती है या फिर आप पानी गिर रहा है आपके मकान के अंदर तो अगर आपने पेपर जॉइंट लगाए तो वो पानी रुकेगा नहीं कोई जॉइंट से पानी नीचे धीरे धीरे जाकर सिलन पैदा करेगा सबसे बेस्ट तरीका है समझना आप छत पर अगर आप टाइल्स लगा रहे हो तो दो बाई दो की टाइल्स आप लगा लीजिए और स्पेशल में स्पेसर चाहे आप तीन एम का लो चार एम का लो या पांच एम का लो मेरे हिसाब से चार एम का लेना चाहिए तीन एम बहुत छोटा हो जाता है पांच एम बहुत बड़ा हो जाता है एपॉक्सी ज्यादा जाएगी खर्चा ज्यादा बढ़ेगा ये चार एम का स्पेसर है चार एमएम का स्पेसर आप इस प्रकार से लगा सकते हो जैसा कि आप देख सकते हैं इस प्रकार फ्लोरिंग में आपने देखा होगा उम्र लगा लेकिन अगर फ्लोरिंग में अगर आपने मकान की फ्लोरिंग में लगाया नहीं लगाया ठीक बात है लेकिन आपको छत पर अगर आप टाइल लगा रहे हैं तो आपको इस प्रकार का स्पेशर लगाना बहुत जरूरी है चार एमएम स्पेसर इस प्रकार से आप टाइल्स फिटिंग कर लेते हो बीच में जो गेप रहता है अब कहीं टाइल्स तो लगा लेते हैं, पर जो गलती करते हैं वहां ग्राउंड भरा जाता है लेकिन अगर आपने स्पेसर छोड़ा चार एम एम अगर लगाया है तो उसके अंदर कंपल्सरी अपोक्सी भरना आपको अगर ग्राउंड आपने सस्ते के चक्कर में भरा हो सकता है वो छह महीने में आपको वापस ग्राउंड

न तो सर्दी गर्मी और बरसात कितना भी हो कितना भी पानी हो एक थीम या एक बूंद भी पानी आपका छत पर नहीं जाएगा पूरा हंड्रेड परसेंट वाटर प्रूफ हो जाएगा और टाइल्स एकदम ढलाव रखें कम से कम तीन से चार इंच का ढलाव रखें ताकि पानी रुके भी नहीं और पानी रुकता भी है एपोक्सी में तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं लेकिन ऑलरेडी ढलाव रख दीजिए ताकि पानी गिरते ही निकल जाए सके तो छत पर टाइल्स लगाने का यह सबसे बड़ा तरीका है इससे और छत पर जो आप टाइल लगाओ वो हमेशा व्हाइट टाइल्स लगाएं व्हाइट बेच में लगाएं लगाएं डार्क कलर में आप नहीं लगाएं लगा व्हाइट लगाएं ताकि गर्मी के दिनों में आपकी छत को गर्म नहीं होने दे व्हाइट कलर ऐसे कोई लगा देते हो तो फिर टाइल्स गरम होती व्हाइट लगाएं हमेशा आपने देखा होगा अठारह बारह चेने म्यूजिक भी करते हैं तो व्हाइट प्लेन लगी हुई रहती अब लगाने की बात करें तो देखिए मार्केट में ये टाइल्स पच्चीस रुपए से लेकर पचास रुपए तक उपलब्ध मिलती है वो आपका बजट तय करता है कि आप किस रेंज की टाइल्स आप लगाना चाहते हो लगने में एडेसिव से लगती है छत की टाइल है टाइलिव यूज जरूर कीजिए क्योंकि लगाने से टाइल्स की जो पकड़ है है स्ट्रेंथ वो मजबूत होती है बारह की बारह बारह अगर आप लगाते हो तो उसके अंदर ज्वाइंट ज्यादा आते हैं तो से ज्यादा लगेगी इसलिए दो बाई दो लगाए लगने में भी अच्छी लगेगी फिटिंग इसमें मेड फिनिश टाइल हमेशा छत पर लगाए पॉलिश नहीं लगाए पॉली से हो सकता है कि आपने कपड़े सुखाए हो या फिर बारिश का पानी से अगर आप ऊपर गए हो तो जवान अपनी तो नहीं बूढ़े अगर आपके घर में कोई सदस्य हैं उनका पैर तो फिसलता है लेकिन अब भी अपन भी अगर कभी जाते हैं रात के समय तो हो सकता है पानी गिरा हो ओस हो तो उससे भी पैर का स्लीप होना लाजमी इसलिए मेड फिनिश टाइल लगाएं ताकि आपका पैर नहीं फिसले बारिश के दिनों में भी आप चल सके ऊपर इसलिए मेड फिनिश टाइल लगाएं रेट की बात कर रहे थे जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया कि पच्चीस रुपये से शुरू होती है अगर आप ब्रांडेड लगाना चाहते हो तो उसकी रेट अलग अलग रहती है मार्केट में और अगर आप रिजेक्ट लगाना चाहते हो तो वो पंद्रह से बीस रुपए में कंडीशन ये है कि आप किस प्रकार की टाइल लेते हो तो कुल मिला के वीडियो बनाने का एक ही मकसद है छत पर अगर आप टाइल लगा रहे हो तो स्पेसर में लगाएं विदाउट स्पेसर टाइल्स नहीं लगाएं नहीं तो वो छह महीने साल भर में टाइल निकल जाएगी और वापस आपको लगाना पड़ा स्पेशल में टाइल्स लगाने से ना तो आपके टाइल निकलेगी ना आपके छत के नीचे पानी जाएगा अगर पानी जाए सरिया सरिया खराब खराब नहीं नहीं होगा जाएंगे छत खराब नहीं होगी छत गर्मी के दिनों में ठंडा भी रखता है कुल मिला के बहुत से फायदे हैं अगर आप टाइल्स लगा रहे हो तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आया होगा वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा मिलते हैं आने वाले नए वीडियो के साथ तब तक के लिए जय भारत जय राजस्थान वंदे मातरम